तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे हैं। आप लोगों की ही यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागतम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप लोगों का पीसी में जो गूगल क्रोम है वो इंस्टॉल है, तो अगर आप लोग गूगल क्रोम को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर डिलीट करना चाहते हैं, तो आप लोग कैसे डिलीट करेंगे। तो देखिए, मैं सिंपल से आप लोगों को एक बार मेरा गूगल क्रोम को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरा गूगल क्रोम जो है वो ओपन हो चुका है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग अपने लैपटॉप से गूगल क्रोम को जो है अनइंस्टॉल करना चाहता है, तो अनइंस्टॉल करने के पहले आपके लैपटॉप में गूगल क्रोम को ज़रूर से क्लोज कर देना, क्योंकि अगर आप लोगों का गूगल क्रोम ओपन रहता है तो अनइंस्टॉल होने में प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप लोग सिंपल से सर्च बार में आके टाइप करना कंट्रोल पैनल, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल सर्च कर रहा हूँ। तो कंट्रोल पैनल सर्च करने के बाद आप लोगों के लैपटॉप में ऐसा भी दिखा सकता है। तो अगर ऐसा दिखाता है, सिंपल से प्रोग्राम फाइल्स के ऊपर क्लिक करके प्रोग्राम एंड फीचर्स के ऊपर क्लिक कर देना। और अगर आप लोगों के लैपटॉप में ऐसा शो करता है, तो यहाँ से भी प्रोग्राम एंड फीचर्स को ढूंढ के इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो सिंपल से हम इसको क्लिक कर रहे हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि गूगल क्रोम कहाँ पे है। तो मेरा गूगल क्रोम यहाँ पे है, तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सिंपल से अनइंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देंगे। अनइंस्टॉल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो हमारा गूगल क्रोम है, ये अनइंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको अनइंस्टॉल होने में थोड़ी देर लग सकती है, तो मैं सिंपल से वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ी देर वेट करने के बाद मेरे लैपटॉप से गूगल क्रोम अनइंस्टॉल हो गया है और मेरे लैपटॉप का स्क्रीन पे भी गूगल क्रोम जो है वो शो नहीं कर रहा है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करने के लिए मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।